श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 8। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार अमावस्या 13 अगस्त 1882 ईस्वी है। समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्रह्म समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है। उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। समाधि तत्व तथा सर्वधर्म समन्वय, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है। उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूं। ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता। मधुमक्खी गुनगुन करती है कब तक, जब तक फूलों पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का न बनेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सब करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गुनगुनाती रहे। गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। गायक, महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है। तो फिर भक्त किसे कहूं? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूं केदार आदि भक्तों के प्रति। सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य हैं। छत पर चढ़ने से मतलब है, सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। यदि कहो दूसरे के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार हैं, तो मैं कहता हूं हैं तो रहें। भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही हुआ। उनमें प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो हैं, वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं, उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो बा या पा कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ बा या पा कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर हैं। फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के चार घाट हैं। हिंदू लोग एक घाट से जल पी रहे हैं और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे घाट में पी रहे हैं, कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर। और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं अक्वा। एक ईश्वर, उनके अनेक नाम। राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम।